कहते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़े संयमशील व शिष्टाचारवादी होते हैं, लेकिन आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सब्र बांध उस समय टूट गया जब कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद भोजन का प्रबंध किया गया था। जैसे ही कार्यकर्ताओं को इस बात का पता लगा कि कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था है, तो सभी कार्यकर्ता भोजन पर इस कदर टूट पड़े कि मेज़बान को वहाँ खड़े अन्य लोग भी हक्के बक्के रह गए और सोचने लगे कि क्या यही कार्यकर्ता होते हैं। आलम यह है कि जैसे ही वेटर पूरियां लेकर, तभी कार्यकर्ता बीच में उसे रोककर पूरियों पर गिद्ध की तरह टूट पड़ते। यह वाक्या एक बार का नहीं बल्कि कई बार दोहराया गया। तस्वीरों में आप खाने के जिस पंडाल को देख रहे हैं, उसी में कार्यकर्ता युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व उनके पुत्र नवनियुक्त राष्ट्रीय युवा महासचिव उनकी धर्मपत्नी शकुंतला यादव शिरकत कर रहे थे। कार्यकर्ता सम्मेलन रेवाड़ी के विजयनगर में आयोजित था, जिसमें पहले प्रदेश स्तरीय पार्टी के कार्यकर्ताओं की चर्चा इन बातों को लेकर होती थी, लेकिन अब राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होने लगे। इस मौके पर कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह आरोप निराधार है कि विधानसभा के बाहर बैठकर पकौड़े और गन्ने का प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं ने बाहर पकौड़े प्रदर्शन किया, लेकिन नेताओं ने सदन में भी अपनी बात रखी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी, वहीं सरकार को भी चेताया कि प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा। वहीं उनके सुपुत्र राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा महासचिव चिरंजीवी राव ने बेरोजगारी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि स्थानीय युवाओं के साथ उद्योगों में भेदभाव हुआ है, कांग्रेस की सरकार आने पर उन्हें स्थानीय उद्योगों में रोजगार देने का काम दिवस है। तो सबसे पहले तो अपने में महिलाओं को इतनी जो भारी मात्रा में आई है उनको शुभकामना देता हूं, और ये जो नौजवान है महिलाओं की वजह से हैं, जो हम लोग हैं, अगर महिलाएं ना हो तो कोई सृष्टि पैदा नहीं होगी दुनिया में। तो सबसे पहले तो मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य पे सभी हमारी माताएं बहनें सबको बधाई देना चाहूंगा, और सरकार से कहना चाहूंगा कि जो हमारी बेटियां हैं उनको सुरक्षित रखें, कड़ा कानून बनाएं ताकि उनकी इज्जत पे कोई हाथ ना लगा सके। दूसरा, जो नौजवान पीढ़ी है, संजय राव अभी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी बनाया है राहुल जी ने, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेरे को जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसमें मेंबर बनाया है, तो उस बात के लिए इसके लिए भी उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और हम लोगों की केवल एक ही हमारी लड़ाई है, इलाके के बेरोजगारों के लिए यहाँ पर अच्छी चिकित्सा मिले, यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल सके, और अधिकारों की लड़ाई हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में दोबारा से जो है वहां पर दोबारा से दिक्कत होगी आज। तो जब तक सरकार विकास के काम नहीं करेगी तो लोगों में बड़ा भारी रोष है। तो आज जो है एक तरीके से आक्रोश था महिलाओं में, नौजवानों में, बुजुर्गों में, सब में बड़ा भारी आक्रोश था सरकार के प्रति।